सन की प्रेमी ने गन की नोक पर चलती ट्रेन से प्रेमिका के भाई का अपहरण कर लिया। 5 लाख रुपए के साथ प्रेमिका को बुलाने की बात कही और 6 घंटे बंधक बना के रखा। कजरा पुलिस ने परिजनों की मदद से लोकेशन पर छापेमारी की और अपहरणकर्ता को दबोच लिया। जी हाँ, रेल जिला जमालपुर में 8 से 10 की संख्या में बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती दी। न सिर्फ चलती ट्रेन से गन की नोक पर नाबालिका अपहरण किया बल्कि 6 घंटे तक बंधक बना के रखा। ये मामला क्यूल जमालपुर रेलखंड के मसूदन रेलवे स्टेशन का है। परिजनों द्वारा घटना की सूचना पर कजरा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और न सिर्फ अपहृत नाबालिग को बरामद किया बल्कि अपहरणकर्ता को भी घटना में प्रयुक्त हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। अपहृत की पहचान लड़ैया टायर्ड थाना क्षेत्र के खजूरिया निवासी मुकेश कुमार के पुत्र आदित्य राज उर्फ सनी के रूप में हुई है, जबकि अपहरणकर्ता की पहचान धरहरा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर निवासी सूरज साव के पुत्र आयुष उर्फ नीतीश और प्रमोद शाह के रूप में हुई है। मामले में रेल डीएसपी मनीष आनंद ने बताया कि घटना की सूचना मिली है। पुलिस मामले में पीड़ित के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। उन्होंने कहा कि पूरा मामला एक तरफा प्रेम प्रसंग का है। मुंगेर से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। मेरा भतीजा है और बात हुई थी कल की। वो गया था धनबाद, मौसी के घर से लौट रहा था। लौटने के दरमियान में ही ट्रेन पकड़ा और उसका ट्रेन चेंज होती है, तो ट्रेन चेंज होती है तो क्यूल में ये ट्रेन पकड़ा, तो 2:20 में ट्रेन उसको डीएमयू मिला। डीएमयू पकड़ के वो आ रहा था, उसी दरमियान में कुछ लोग चढ़ा, 8-9 लोग चढ़ा, जिसमें से एक को वो पहचानता है और बाकी बात को नहीं पहचानता है। और वहाँ पे कुछ लोग चढ़ के उसको मतलब ट्रेन में चढ़ा और इसके पास गया। इसी दरमियान में इसका कॉल आया तो ये बात करने लगा, बस इसको बात करने नहीं दिया। इसका मोबाइल छीन लिया गया, मोबाइल छीन के इसको बोला, मारपीट की धमकी दिया। इतने में इसका एक भाई था गोलू, वो उसके पास गया तो बोला, मेरा भाई को क्यों मार रहा है, मतलब जो होता है बचाव के दरमियान में वो एक्शन लिया तो उसको मार उड़ के वहीं कजरा में उतार दिया गया। और इसके पीछे में मतलब कट्टा सटा करके बोला कि चलो तुम यहाँ से उतरो, अगर शोर मचाएगा तो तुमको हम यहीं पे मार देंगे, मार के काट देंगे, कोई तुमको देखने वाला नहीं है, नहीं तो तुम्हारी मम्मी को हम कॉल करेंगे। कॉल करके उससे 5 लाख रुपया का मांग किया गया। फिर वो डर गया, बच्चा था, अपना जान को सब प्यारा होता है, बस वो उतर गया वहाँ से, उसके साथ चल गया। वहाँ ले जा करके उसको कुछ मतलब पहाड़ वहाड़ पे रखा, उसके बाद फिर किसी को बाइक से बुलाया, बाइक से बुला करके कोई गाँव ले गया जहाँ पर कि इसको नहीं मालूम था। तो कोई बुजुर्ग थे जो कि घर पे गए, मतलब खजुरिया पहुँचे, खजुरिया पहुँच करके वहाँ पे जाके कहा गया कि एक बच्चा को यहाँ से उठा करके ले गया है। तो मेरा भतीजा मिल ही नहीं रहा था, तो वही दरमियान में भाभी लोग को शक हुआ तो फिर वो कन्वेंस किया कि मेरा मोबाइल अगर ऑन आप नहीं रखिएगा तो फिर मेरा कॉल कैसे आएगा, और कॉल नहीं आएगा तो हम कैसे घर में पता चलेगा। तो फिर उसका इसके वजह से उसका मोबाइल को ऑन रखा गया और उसकी मम्मी को कॉल करके कहा गया कि आपका बेटा को हम किडनैप किए हैं, अगर 5 लाख रुपया नहीं देते हैं तो आपका बच्चा को हम मार देंगे, तो सुबह तक में आप हमको 5 लाख रुपया किसी तरह से अरेंजमेंट करके दीजिए। तो फिर उन लोग पैसा का आवेदन किया और गांव से सबको चल गया। रात में ये लोग को पता चला, लोकेशन को ट्रैक किया पता चला कि मतलब ये क्या कहता है, सिबड़ी लखना के बीच में कोई गांव है, वहीं पे इसको रखा गया है। तो फिर जाके ट्रैक हुआ तो पता चला कि उसका कोई फ्रेंड था, उसके फैमिली में उसको रखा है और इसको धमका दिया कि वहाँ जा करके तुमको किसी को कुछ कहना नहीं है, अगर कहते हो तो तुमको यहीं पे मार के काट दिया जाएगा, फिर तुम्हारी माँ खोजती रहेगी, तुम नहीं मिलेगा। उसके बाद सबको गया, गांव टोला का समाज का कम से कम 50-60 लोग गया। लोकेशन जैसे ही ट्रैक हुआ पता चला कि यहाँ पे है बच्चा, पूरे छत उत पे चारों साइड से उसको घेर लिया गया। घेरने के बाद उसको घींच उच के निकाला गया। वही दरमियान में सनी कुमार कहा है, भैया यहाँ पे ये रिलोड किया हुआ है कट्टा है, जिससे कि हमको सटा करके लाया गया यहाँ पे, इसके साथ है, इसको 4-व्हीलर में रख लिया गया निकाल करके बच्चा को। और उसके बाद फिर जा करके उन लोग को जितना हुआ मतलब मारपीट किया, दो लड़का था तो उसको पूरा भरदम मारा है, उसका बाइक भी पकड़ा है, बाइक का लॉक तोड़ा, मोबाइल वोबाइल छिनाया है, उसको कजरा थाना में ले जा के रखा गया है क्योंकि क्षेत्र में पकड़ाया, जिसके कारण से कजरा थाना ही एक्शन ली है। और ये ट्रेन से घिंच करके इसको उतारने के कारण रेलवे पुलिस जमालपुर थाना में हम लोग इन्वॉल्व हैं। तो हम यहाँ पे सर बस इसलिए आए हैं कि हमारे भतीजा को न्याय मिले और जो इस तरह का काम किया गया है उस पर सख्त कार्रवाई की जाए, बस इतना हम गुहार लगाने के लिए आए हैं। इसके साथ हम आप सबको धन्यवाद करते हैं और हमें न्याय चाहिए, इससे और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम हो आपका मैम? मेरा नाम बबीता कुमारी है। घर मेरा कमलता है। सिस्टर को धनबाद से छोड़ के आ रहे थे, ठीक, कल अपनी सिस्टर को हम धनबाद से छोड़ के आ रहे थे, तो फिर क्यूल से छोड़ के क्यूल में जो ट्रेन मेरा चेंज होता है
तो हमको 2 बजे वाला ट्रेन पकड़ना था, तो 2 बजे वाला ट्रेन छूट गया, तो 2:20 वाला ट्रेन पकड़े हम DMU, ठीक। तो उससे हम आ रहे थे 2 बजे वाला 2:20 वाला ट्रेन से। उसके बाद यहाँ ऐसे करता है अभयपुर में जो है ना, ये सब लड़का लोग चढ़ा, हम देखे कि एक लड़का चढ़ा है, ठीक। वो सब 9 लड़का चढ़ा था, अलग अलग डिब्बा से 9 लड़का चढ़ा था। सब आया यहाँ पे, मसूदन जब पहुँचने वाला था ने, तब 9 लड़का मुंह पे गमछी लपेट के आया, सब अभी लपेट के गमछी है, सब आया 9 लड़का। उसके बाद हमको मारा, मेरा भैया आया बचाने के लिए, उसको सब लोग पकड़ लिया, हमको बंदूक पे बंदूक करके मेरे पीछे पीठ पे बंदूक टांग के बोलता है चलो, चिल्लाएगा तब तुमको मार देंगे, मार के बाहर साइड फेंक देंगे, उसके बाद हम लोग भाग जाएंगे बाहर कमाने। बचाने कौन था? लड़का का नाम आयुष कुमार, घर गोविंदपुर, पिता का नाम सूरज साहब। और किसी को पहचान पाए नहीं, और उसके साथ 9 लड़का था तो नहीं जानते मैं। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से हमको लेके बाहर साइड लेके गया, तो बाहर साइड लेके गया तो वहाँ तनी मनी मम्मी और को धमकी उमकी दिया वहाँ पे, ठीक। कहाँ से लेके? मतलब मसूदन से लेके पहले पहाड़ पर ले गया, तो वहाँ धमकी उमकी दिया तो वहाँ पे मम्मी को धमकी दिया। क्या बोल रहा था वो? कि हमको पैसा चाहिए ना, हमको बात करना है तेरी सिस्टर से, नहीं बात करने ना, और हमको 5 लाख रुपया चाहिए, नहीं देगा ना हम तुमको मार, सुबह तक मार देंगे, मार के पहाड़ पर फेंक देंगे। फिर क्या हुआ था? उसके बाद एक लड़का और था उसके साथ, तो वो अपना घर पे हमको ले गया, वहाँ अच्छे रखा। वो अपना घर वाला को बोला था कि ये दोनों मेरा दोस्त है, और हमको धमकाया था कि जहाँ तुम जहाँ इसको बोलेगा ना कि हम भाग, लड़की ऐसा ऐसा चक्कर में तुमको पकड़ के लाया है, तो तुमको जो है ना मारेगा, बहुत मार मारेगा तुमको, बहुत खराब आदमी है। तो हमको ऐसे ही रख लिया था वहाँ पे, तो इतना ही देर में मतलब खाना पीना खाए, करीबन 9:30 में मेरा गांव से सब लोग ढूंढते ढूंढते हमको वहां तक आ गया था, तो वहीं बचाया हमको वहां पे सब लोग बचाया। तो हम बचाने वक्त हमको घींचा ऊँचा, तो हम घींच दे रहा था, हम उसको बोल देते कि उसके पास गन है, रिलोड सब करके रखा है गन को, तो यहां हम फिर चल गए, जो काम हुआ लड़का और का मारा पीटा, उसके बाद उसको वहाँ कजड़ा थाना में छोड़ दिया। यहाँ अभी जाए हैं क्या करने के लिए? यहाँ हम आए हैं रेलवे में अपनी करने, केस करने के लिए। क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप? क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य राज सनी कुमार। घर? घर खजुरिया। पिता का नाम? पिता का नाम लेख मुकेश कुमार। अपहरण के मामले का की बात का संज्ञान में हम लोगों के आया है, जो मसूदन रेलवे स्टेशन से संबंधित है। मामले की जांच की जा रही है, इसी घटना से संबंधित जो पीड़ित पक्ष है उन्होंने आके कहा है कि हमें मसूदन रेलवे स्टेशन से उठा के ले जाया गया है। लोकल थाना के द्वारा वहां पे छापामारी के दौरान उन लोगों के द्वारा वहां पर एक आर्म्स एक्ट से संबंधित केस दर्ज हुआ है। हम लोगों के द्वारा अभी जांच जारी है, जांच करके अग्रतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।